हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू दी क्लास तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गुजकेट 2029 के फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर वन द एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन डिफ्रेक्शन पैटर्न डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर स्प्रेड यानी एंगुलर विथ पूछिए जिसका फॉर्मुला होता है थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन डी क्या होता है लेमडा अपॉन डी तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो आपको ऑप्शन दिए उसमें फ्रीक्वेंसी अगर ये वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे तो कर ही रहा है फॉर्मुला में ही दिख रहा है विथ विथ ऑफ अ स्लिट यानी स्मॉल डी पे डिपेंड कर रहा है किस पर डिपेंड नहीं कर रहा तो द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द सोर्स ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें ठीक है चलिए नेक्स्ट द रेशियो ऑफ रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप वेन लाइट ऑफ वेवलेंथ फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंगस्ट्रॉम एंड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंगस्ट्रॉम आर यूज देखो रिजोल्विंग पावर का पूछा है तो रिजोल्विंग पावर जो होता है टेलीस्कोप के अंदर वो होता है वन अपॉइंट डेल्टा थीटा यानी वन पॉइंट टू टू लेमडा अपॉन टू ए यानी रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के हाँ अगर आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा होता तो डेल्टा थीटा क्या हो जाता आपका वन पॉइंट टू टू डेल्टा थीटा किसके प्रोपोर्शनल है लेमडा के रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो होता है वन अपॉन डेल्टा थीटा यानी वन अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इस वजह से रिजोल्विंग पावर होगा वन अपॉन लेमडा तो चलिए रेशियो निकालना है तो आपको बताना है द रेशियो ऑफ रिजोल्विंग पावर तो हम लोग लिखेंगे रिजोल्विंग पावर ऑफ वन डिवाइड बाय रिजोल पावर ऑफ टू तो ये होगा लेमडा टू अपॉन लेमडा वन क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चलो दूसरे में कितना है फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड पहले में कितना है फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड जीरो ध्यान रखना इसके अंदर Resolving power का formula होता है चलिए नेक्स्ट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट फोर्थ ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस बाय द लाइट फोर्थ ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस बाय द लाइट ऑफ फाइव थाउजेंड एंगस्ट्रॉम सुपर ऑन द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ वेवलेंथ दी अननोन वेव लेंथ इज डैश यानी समझ लो कि अगर दो फ्रिंज एक दूसरे पे सुपर पोज कर रही है तो जो दोनों का डिस्टेंस होगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू यानी जो सेंट्रल से डिस्टेंस होता है सेंट्रल ब्राइट से जो डिस्टेंस होता है दोनों का सेम होगा दोनों सुपर पोज कर रही है एक्स का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी आ, ब्राइट फ्रिंज का एन लेमडा डी अपॉन डी पहले के लिए एन वन वेव लेंथ लेमडा वन डी और स्मॉल डी तो सेम होगा क्योंकि वही डिस्टेंस पे आ दोनों का क्या होगा स्क्रीन होगा और स्लिट की विथ भी वही होगी सामने क्या होगा एन टू लेमडा टू डी अपॉन डी चलिए क्या कैंसल होगा तो यहाँ पे कैंसल हो जाएगा डी डी स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों जाएंगे एन वन लेमडा वन इज इक्वल टू एन टू लेमडा टू चलो एन वन कितना है तो वो है फोर्थ एन टू है आपका फिफ्थ तो ये हो जाएगा फोर एन टू यहाँ पे क्या होगा फाइव टू 1, पहले की वीव लेंथ है फाइव थाउजेंड तो दूसरे की कितनी होगी मैं एंगस्ट्रॉम को आंसर टेन एस टू माइनस टेन है समझ लेना आप लोग फाइनल आंसर टेन एस टू माइनस टेन के फॉर्म में आएगा टू इज इक्वल टू फोर इन डिवाइड फाइव को सामने ले जाओ ये हो जाएगा फोर थाउजेंड एक्सट्रोम क्या आंसर आएगा फोर थाउजेंड एंक्ट्रोम ऑप्शन नंबर डी ठीक है चलिए नेक्स्ट इन एक्सरे ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड इज ट्वेंटी किलो वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग इज 1.6 मिली मीटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग एन एनोड इन वन सेकंड देखो आपको सिंपल कन्फ्यूज करने के लिए आपको ट्वेंटी किलोवोल्ट वाला दिया है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने आप पहले करंट पे से ही निकाल सकते हो क्यू इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल टू एन सबको पता है तो एन क्या हो जाएगा आई टी अपॉन ई चलिए आई कितना है हमारा एन इज इक्वल टू आई कितना है आपका वो है आपका मिली E कितना है One second. और E कितना है चलिए ये ये हो हो जाएगा 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 ऊपर जाके क्या बन ठीक है चलिए नेक्स्ट नंबर फाइव इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन एन हाइड्रोजन एटम इज अपन एट बाइ एपोन जीरो देन द पोटेंशियल एनर्जी डैश देखो आपको एक रिलेशन मैंने बताया था पहले अगले पेपर में कुछ था क्वेश्चन काइनेटिक अगर के है तो पोटेंशियल होगी माइनस टू के ठीक है तो जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो क्या होता है काइनेटिक से डबल और नेगेटिव यानी काइनेटिक के आगे बस माइनस टू लगा दो वो बन जाएगा पोटेंशियल तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल लिखूंगा माइनस टू इन टू के चलिए माइनस टू के कितना है आपका के ये वाला

वन माइनस वन बाय फोर तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर ये क्या हो जाएगा थ्री बाय फोर लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर बाय थ्री आर ये हो गया आपका लाइमन के लिए लेमडा इक्वेशन नंबर वन आपको ये बताना है कि पाश्चन का क्या होगा लेमडा के फॉर्म में आंसर बताना है ठीक है तो रेशियो लेना पड़ेगा चलिए मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं इधर पाश्चन पाश्चन के लिए क्या होगा पाश्चन पाश्चन की फर्स्ट पूछी है तो वन अपॉन लेमडा पाश्चन इज इक्वल टू आर वन अपॉन लाइमन बाल्मर पाश्चन थर्ड में लेके आना है माइनस फर्स्ट है तो फोर्थ से थर्ड में लेके आने ठीक है ठीके? तो चलो वन अपॉन लेमडा पी क्या हो जाएगा आर वन अपॉन नाइन माइनस वन अपॉन सिक्सटीन चलिए वन अपॉन लेमडा पी क्या होगा आपका आर ये अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाएगा सिक्सटीन इधर जाएगा नाइन तो ऊपर जाएगा सिक्सटीन माइनस नाइन ऊपर बच जाएगा सेवन और नीचे सिक्सटीन इन टू नाइन वन फोर्टी फोर तो आपका जो लेमडा पी बनेगा वो बनेगा वन फोर्टी फोर डिवाइड बाई सेवन आर क्या बनेगा वन फोर्टी फोर डिवाइड बाय सेवन आर अभी ऑप्शन में नहीं है आपको ऑप्शन के अंदर जो आंसर है मतलब क्वेश्चन में जो पूछा वो लेमडा के फॉर्म में पूछा तो आप लेमडा पी अपॉन लेमडा कर लो इक्वेशन टू बाय वन कर लो आप कर लो लेमडा पी अपॉन लेमडा लेमडा पी है वन फोर फोर डिवाइड बाई सेवन आर और लेमडा आपका कितना था ऊपर फोर बाई थ्री आर वो कितना है फोर बाई थ्री आर तो ये आर आर आपका कैंसिल हो जाएगा ये वन फोर फोर इन टू थ्री बचेगा ऊपर और ये नीचे बचेगा सेवन इन टू फोर चलिए अभी ऑप्शन देख लेते हैं किस तरीके से दिए उन्होंने ऑप्शन में फाइव बाई ट्वेंटी सेवन सेवन बाय वन जीरो एट तो देखो ये कैसे बनेगा अभी तो लेमडा पी अपॉन लेमडा यहाँ पे शायद हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं फोर से इसको कैंसिल करें थर्टी सिक्स हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा थर्टी सिक्स इंटू थ्री वन जीरो एट नीचे बचेगा सेवन आंसर आएगा वन जीरो एट बाय सेवन ठीक है ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट नंबर सेवन फॉर अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टॉ इज इक्वल टू डैश टॉ वन हाफ देखिए टॉ जो होता है वो होता है मीन लाइफ इसका फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू वन अपॉन लेमडा और जो टॉ वन हाफ होता है वो होता है हाफ लाइफ वो क्या होता है हाफ लाइफ इसका फॉर्मूला होता है पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन लेमडा टॉ वन हाफ अभी दोनों का रिलेशन पूछा टॉ इज इक्वल टू डैश टॉ वन हाफ तो मैं टॉ अपॉन टॉ वन हाफ अगर कर लूंगा टाओ वन हाफ अगर कर लूँगा तो बन जाएगा वन अपॉन लेमडा डिवाइड बाई पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन लेमडा चलिए लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा ये सामने जाएगा टाओ इज इक्वल टू टाओ वन हाफ डिवाइड बाय पॉइंट सिक्स नाइन थ्री तो ये हो जाएगा वन पॉइंट फोर फोर वन हाफ़ ये रिलेशन याद रखना है टॉ इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर फोर टॉ वन हाफ़ ठीक है ऑप्शन नंबर ए तो बस मेन चीज आपको ये याद रखनी है दोनों फॉर्मूलाज याद रखो, ठीक है चलिए नंबर एट फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस प्रोसेस आपको गिवन है आपको बताना है द वैल्यू ऑफ एक्स यानी जो एक्स है वो कितने होंगे देखो दोनों साइड आपको पता है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जेड सेम होने चाहिए यानी लेफ्ट में कितने हैं नाइन्टी इज इक्वल टू राइट में सबका सम सेम होना चाहिए एटी प्लस टू यानी एक्स की जगह भी कुछ भी हो सकता है वो निकालना ठीक है और सिक्स इंटू माइनस सिक्स हीलियम आपके रिलीज हुए होंगे ऑप्शन नंबर बी सॉरी बी मैं सॉरी ऑप्शन नंबर डी ओके नंबर नाइन रेडियान थर्टी सिक्स टू रेडियस का फॉर्मला होता है आर वन अपॉन आर टू यानी जिंक और एल्यूमिनियम का आर वन अपॉन आर टू आर जीरो तो कैंसिल हो जाएगा ए ऑफ वन डिवाइड बाई ए ऑफ टू दोनों के ऊपर मैं वन बाई थ्री दे देता हूँ चलो ए वन यानी जिंक का कितना है सिक्सटी फोर और नीचे एल्यूमिनियम का कितना है ट्वेंटी सेवन अच्छा अभी देखो ये जो नंबर है उसको इंडिविजुअली क्यूब रूट करना इजी रहेगा क्योंकि सिक्सटी फोर का हो जाएगा फोर और ट्वेंटी सेवन का हो जाएगा थ्री तो इसको इस तरह कैसे करना थोड़ा इजी रहेगा हाँ अगर कोई और नंबर होता तो आप पहले डिवाइड करते अंदर फिर क्यूब रूट निकालते यानी ऐसे डिवाइड करते अंदर फिर क्यूब रूट निकालते अभी सिक्सटी फोर का सीधा निकल रहा है फोर ट्वेंटी सेवन का सीधा क्या निकल रहा है थ्री आंसर आ जाएगा फोर बाई थ्री ठीक है ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टेन फॉर पी एन जंक्शन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वन इंटू टेन एस टू सिक्स एंड द वि ऑफ द डेपलेन रीजन इज फाइव थाउजेंड एंगस्ट्रॉम द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल बैरियर का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन है वी इज इक्वल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी ई कितना है वन इंटू टेन एस टू सिक्स और विथ कितनी है फाइव थाउजेंड एंगस्ट्रॉम यानी टेन एस टू माइनस टेन चलिए हो जाएगा वन इंटू टेन टू सिक्स इंटू इसको अगर मैं साथ में लिख दू तो ये हो जाएगा फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस सेवन फाइनल आंसर आ जाएगा फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस वन जीरो पॉइंट फाइव ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए नेक्स्ट द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच गेट देखो आपको एक चीज ऑलवेज याद रखो कि नॉर या फिर ने दोनों को जब शॉर्ट सर्किट किया जाए शॉर्ट सर्किट तो वो बन जाएगा नॉट यानी ये नैंड नॉर गेट है आपका ये नॉर गेट है उसको आपने यहाँ से क्या करा हुआ है ये दोनों इनपुट को कनेक्ट कर दिए यानी ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये बन जाएगा नॉट गेट ठीक है चलिए ट्वेल्व फॉर पी एन जंक्शन द विथ ऑफ द स्पेस चार्ज रीजन अभी उसको सीधा आपको याद रखना है वो पॉइंट फाइव के फॉर्म में होता है ठीक है कन्फर्म करना टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है थ्योरी का क्वेश्चन है पॉइंट फाइव ठीक है चलिए नेक्स्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी अच्छा ये एम्पलीट्यूड यू वो चैप्टर जो आपके सिलेबस में नहीं है उसमें से क्वेश्चन है तो इसकी कोई जरूरत नहीं इस बार नहीं आएगा चैप्टर फिफ्टीन जो पहले हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में उसका ये क्वेश्चन है ठीक है नंबर फोर्टीन द प्रोपेशन ऑफ रेडियो वेव विथ फ्रीक्वेंसी टू मेगा हर्ड टू थर्टी मेगा ये भी पुराने सिलेबस का है ये भी नहीं आएगा ग्राउंड स्काई वेवस ये भी नहीं आपके सिलेबस में ठीक है चलिए नेक्स्ट वेन टू स्र्स हैविंग चार्ज फोर क्यू एंड माइनस टू क्यू आर प्लीज एट अ सर्टेन डिस्टेंस द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम इज एफ यानी जब फोर क्यू और माइनस टू क्यू को किसी डिस्टेंस पे रखेंगे तो जो फोर्स लग रहा है वो एफ है नाउ दे आर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर एंड अगेन सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर नाउ दे आर कैप्ट एट अ डिस्टेंस हाफ ऑफ द प्रीवियस वन द फोर्स बिटवीन दैम इज डैश देखो समझ लो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे एक पेज और चाहिए होगा मैं पहले ऐड कर लेता हूँ समझ लीजिए दो चार्जेस है एक है फोर क्यू एक है माइनस टू क्यू इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो अभी एफ है वो एफ कितना होगा मान लो कि डिस्टेंस आपने आर ले लिया है वो जो फोर्स होगा वो लगेगा कि फोर क्यू ही लेना होता है सबको बताए टू क्यू डिवाइड बाई आर स्कोयर तो ये हो जाएगा एट के क्यू स्क्र ठीक है ये इनिशियल फोर्स अच्छा अभी करना क्या है कि दोनों को अभी चार्ज मैंने ड्रॉ किया मतलब ये स्फीयर है आप लोग समझ लेना ठीक है स्फीयर है अच्छा अभी दोनों स्फीयर को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करो यानी ये स्फीयर मतलब वही है फोर क्यू माइनस टू क्यू कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करो तो होता क्या है कि दोनों पे जो चार्ज है Q1 वन इज इक्वल टू क्यू टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो कितना होगा तो दोनों का सम फोर क्यू माइनस टू क्यू डिवाइड बाई टू यानी ये हो जाएगा Q यानी अभी जो दोनों पे चार्ज होगा प्लस Q प्लस क्यू अभी करना क्या है कि दे बोथ आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग स्फीयर वायर एंड अगेन सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर नाउ ती आर कैप्टेट डिस्टेंस हाफ ऑफ द प्रीवियस वन यानी अभी दोनों पे जब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो दोनों को वायर से अलग कर दो और दोनों को अभी आर बाय टू डिटेंस पे रख दो ये क्यू है ये क्यू है डिस्टेंस है आर बाय टू तो अभी कितना फोर्स लगेगा तो जो नया फोर्स लग रहा है वो लगेगा एफ डैश इज इक्वल टू के पहला भी क्यू दूसरा भी क्यू और डिस्टेंस भी आधा कर दिया आर बाई टू का स्क्वायर अभी आर बाय टू का स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर बाय फोर वो फोर ऊपर आएगा ऊपर है के क्यू स्क्वायर और नीचे बचेगा आर स्क्वायर यानी आर बाय टू का स्क्वायर क्या हो गया आपका ये स्क्वायर स्क्वायर लिखा ऊपर तो आधा एफ कंपेयर इक्वल टू कितना हो गया एफ बाई टू तो ये आ जाएगा एफ बाई टू ठीक है चलिए नेक्स्ट चार्ज ऑफ फन माइक्रोकुल ईच इज प्लेस्ड ऑन फाइव कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड वन मीटर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर देखो एक हेक्सागोन है चलो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं उसको एक हेक्सागोन है उसके पांच कॉर्नर पे चार्जेस है एक दो तीन चार पांच कॉर्नर खाली है वन मीटर जिसकी लेंथ है ठीक है अच्छा उसका अगर हम लोग डायगोनल साइड ड्रॉ करें सेंटर ड्रॉ करना है मुझे ठीक है सिंपली मुझे सेंटर ड्रॉ करना है ये सेंटर आपको ये बताना है कि द तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द दे सेंटर देखो आप ध्यान से देखो कि जो ऑपोजिट वाले चार्जेस है यानी ये मान ये, ये, ये भी प्लस 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 इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे इसका इस तरफ होगा वो सामने वाले का इधर इस वाले का ऊपर वाले का नीचे नीचे वाले का ऊपर इस तरफ वाले का इधर यानी कौन कौन से कैंसिल हो जाएंगे तो ये कैंसल हो जाएगा एक दूसरे को ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बचेगा सिर्फ एक कौन सा ये वाला ये वाला बचेगा ये वाला बचेगा ये वाला ठीक है ये वाला जब बचेगा तो वो कितना होगा तो वो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक ही चार्ज का है ना वो होगा ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अच्छा अभी अगर ये वन मीटर का रेगुलर हेक्सागोन है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा सेंटर से ये वाला वो भी होगा आपका वन मीटर वो याद रखना आपको यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे होते हैं सारे ये सारे इक्विलिटरल होते हैं ठीक है ठीके? तो सेंटर तक का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा वन मीटर तो हो जाएगा नाइन इंटू टेन रेज टू नाइन कितना चार्ज है आपका चार्ज है आपका वन माइक्रो यानी टेन रेज टू माइनस सिक्स और डिस्टेंस भी है वन तो आंसर आ जाएगा आपका फाइनल नाइन इंटू टेन रेज टू थ्री आंसर आएगा 9 10 3. अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है है ऑप्शन नहीं शायद अच्छा के को आ, के ही रखा है उन्होंने के को के ही रखा है तो इसको आप के ही ले लो तो आंसर आ जाएगा के इन टू टेन रेस टू माइनस सिक्स ठीक है दोनों आंसर मतलब ये निकालो वैल्यू या फिर के को के ही रखो के इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्स ऑप्शन नंबर एलिए नंबर सेवनटीन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन देखो

अगर आपने उसको किसी ऐसे तरीके से रखा हो जैसे समझ लो कि डाइपोल को आपने ऐसे रख दिया है तो यहाँ पे पी और ई e एक डायरेक्शन में हो गए तो यहाँ पे पी ई साइन जीरो साइन जीरो क्या होता है जीरो तो टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो तो हां टॉर्क मे बी जीरो ऑलवेज जीरो नहीं होता मे बी जीरो द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज जीरो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो ही नहीं सकता क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 18, the unit of intensity of polarization. देखो जैसे जैसे होता होता था एक हाँ, जैसे आपका magnetization होता था मिनट आपका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम उसी तरह पोलराइजेशन होता है डाइपोल मोमेंट ये मैग्नेटिक मोमेंट होता था ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है कूलम इनटू मीटर और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब तो ये आंसर आ जाएगा कुलंब पर मीटर स्क्वायर एक मीटर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा नीचे बचेगा स्क्वायर कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी ठीक है चलिए फिगर एरिया ऑफ इच प्लेट इज इन डिस्टेंस बिटवीन द कंजेकेटिव प्लेट्स इज शोन इन द फिगर व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस देखो ध्यान से समझो आपके पास दो पॉइंट्स है एक पॉइंट है ए एक पॉइंट है बी चलिए अभी आप देखिए ए में से कौन सी प्लेट निकल रही है तो नंबर वन एंड नंबर थ्री यानी मैं दोनों को ड्रॉ कर लेता हूँ चलिए मैं पहली वाली को ड्रा कर रहा हूँ नंबर वन और नंबर थ्री चलो दोनों को कर लेते हैं नंबर थ्री ये प्लेट नंबर वन है ये प्लेट नंबर थ्री है अच्छा प्लेट नंबर वन किससे कैपेसिटर बना रही है तो प्लेट नंबर टू से कैपेसिटर बना रही है एक यानी प्लेट नंबर वन कनेक्टेड है प्लेट नंबर टू से प्लेट नंबर वन जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है टू से और थ्री वाली दो प्लेट से कनेक्टेड है थ्री वाली जो प्लेट है आप इधर देखो तो ये जो थ्री वाली प्लेट है वो चार से भी कैपेसिटर बना रही है और दो से भी बना रही है यानी थ्री वाली प्लेट पहले मैं मैं उसको दो बार ड्रॉ कर लूंगा थ्री वाली प्लेट दो बार कैपेसिटर बना रही है एक किससे बना रही है तो एक नीचे की तरफ चार वाली यानी जो थ्री वाली प्लेट है वो नीचे चार से कैपेसिटर बना रही है तो चार को मैं ड्रॉ कर लूंगा उसके सामने और एक किससे बना रही है तो दो से बना रही है दो नंबर अच्छा दो और चार किससे कनेक्टेड है तो दो और चार दोनों बी से कनेक्टेड है दो और चार बी से कनेक्टेड है यानी दो और चार दो भी बी से कनेक्टेड है चार भी बी से कनेक्टेड है तो इसका मतलब तीन कैपेसिटर यहाँ पे पैरल में अभी यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि डिस्टेंस कौन कौन सा वन और टू के बीच आप देखो टू डी टू और थ्री के बीच में डी और थ्री और फोर के बीच में टू डी यानी वन और टू के बीच में टू डी थ्री और फोर के बीच में टू डी और टू और थ्री के बीच में है तीन कैपेसिटर पैरेलल तो आंसर क्या आता है तीन कैपेसिटर पैरेलल में क्या होता है सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अभी कैपेसिटर में एरिया तो सेम है ना एरिया आपका सेम है एरिया इज सेम ईच प्लेट इज ए ठीक है आपको डिस्टेंस अलग अलग दिया है तो एक का देखो पहले का क्या बनेगा एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन टू डी एपसाइलॉन जीरो डी तो लिख देते एपसाइलॉन जीरो ए अपॉन टू डी प्लस एपसाइलॉन जीरो ए अपॉन टू डी प्लस एपसाइलॉन जीरो ए अपॉन डी तो यहां से अगर मैं एपसाइलॉन जीरो ए अपॉन डी कॉमन निकालता हूँ पहला बचेगा वन बाय टू वन बाय टू और वन वन बाय टू वन बाय टू वन वन प्लस वन टू आंसर आ जाएगा टू एपसाइलॉन जीरो ए अपॉन डी इफेक्टिव कैपेसिटेंस बनेगा टू एपसाइलॉन जीरो ए अपॉन डी ठीक है देखो तो यहाँ पे प्लेट का बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाए तो सारे आंसर बदल जाएंगे ठीक है तो ध्यान रखना थोड़ा सा A a एक है और एक पॉजिटिव चार्ज उसको अप्रोच कर रहा है कुछ स्पीड होगी उसकी ठीक है वट विल हैपन टू दोटेंशियल देखो आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो पॉजिटिव जब नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो वो अट्रैक्ट होगा अपने आप अपने आप अट्रैक्ट होगा हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा जब अपने आप अट्रैक्ट होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी अगर हमें उसको फोर्स लगा के ले जाना पड़ता नेगेटिव की तरफ तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता पोटेंशियल एनर्जी क्या होती इंक्रीज cigar. या फिर दूसरी तरीके से समझो कि जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो क्या होगा अट्रैक्ट होगा वो क्या होगा अट्रैक्ट होगा अट्रैक्ट हो रहा है यानी उसकी स्पीड बढ़ेगी स्पीड वी क्या होगी इंक्रीज होगी अपने आप ट्रैक हो रहा है स्पीड क्या होगी इंक्रीज स्पीड इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी तो बस यही पूछा है व्हाट विल हैपन टू दी पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज तो आप पोटेंशियल पूछा है तो काइनेटिक को समझ लो कि क्या हो रहा है तो पोटेंशियल अपने आप समझ में आ जाएगी ठीक है चलिए नंबर ट्वेंटी वन द हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम देखो पावर का फॉर्मला होता है पी इज इक्वल टू आई स्क् पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी हीट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू आई स्क्र आर तो एच जो होती है हीट इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिप्रोकल ऑफ करंट नहीं है वो गलत है स्क्वायर ऑफ करंट ये सही है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सारे बाकी के देख लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट नहीं है इलेक्ट्रिक करंट नहीं है स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है चलिए 22 अ कार्बन रजिस्टर हैज थ्री बैंड एज ब्राउन ब्लैक एंड ग्रीन देखिए ब्राउन ब्लैक ग्रीन आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो वन ब्लैक का होगा जीरो ग्रीन का होगा टेन रेस टू फाइव और चौथा कोई कलर नहीं है तो प्लस और माइनस ट्वेंटी आपको रेंज बतानी है यानी इसके अंदर ट्वेंटी परसेंट प्लस करो ट्वेंटी परसेंट माइनस करो प्लस ट्वेंटी परसेंट करोगे प्लस ट्वेंटी परसेंट करोगे तो ये मिलेगा टेन का ट्वेंटी परसेंट ट्वेल्व प्लस और माइनस फाइव टेन एज टू फाइव ट्वेल्व प्लस और माइनस नहीं सॉरी ट्वेल्व इंटू टेन एज टू फाइव और जब ट्वेंटी परसेंट माइनस करोगे तो टेन में से ट्वेंटी परसेंट माइनस कर लो वो जाएगा एट इंटू टेन एज टू फाइव तो आंसर आएगा एट इंटू टेन एज टू फाइव से ट्वेल्व इंटू टेन एज टू फाइव ठीक है ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर द इक्वलन रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी डैश ईच रेजिस्टेंस इज टू ओम देखो इक्वलन निकालना है एक्स और वाई यानी समझ लो आपको सारे पॉइंट कंसिडर करने पहले ये अगर एक्स है तो ये पॉइंट भी होगा एक्स अच्छा यहाँ बीच में कोई रजिस्टर नहीं है तो ये पॉइंट भी क्या होगा एक्स अच्छा अगर ये वाई है सॉरी ये वाई है तो ये भी क्या होगा वाई अगर वो वाई है यहाँ से बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा तो ये भी क्या होगा वाई होगा अच्छा इसको कोई और पॉइंट ले लो मान लो कि इसको ले लो आप पी तो ये पूरे वायर पे कोई रेजिस्टर नहीं है दोनों पॉइंट सेम एंड से कनेक्ट सेम जगह कनेक्टेड है सेम वोल्टेज पे पी टोटल तीन पॉइंट हुए एक्स पी और वाई मैं उसको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक दिखा दो एक्स बीच में दिखा दो कहीं पे पी एक दिखा दो वाई ठीक है एक्स पी और वाई ओके चलिए अब आप पहला रजिस्टर देखिए ये वाला वो किसके बीच में है x और p के बीच में तो उसको ड्रॉ करिए x और p के बीच में दूसरा किसके बीच में है वो भी x और p के बीच में है तो उसको यहाँ ऐसे ड्रॉ करिए चलिए तीसरा x और y के बीच में x और y के बीच में यानी ऐसे चलिए चौथा y और p के बीच में y और p के बीच में यानी इधर और पांचवा भी p और y के बीच में यानी इधर तो आपको बताना है टोटल क्या होगा तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए सबकी वैल्यू दो है ये है आपका टू ओम ये है आपका टू ओम टू ओम टू ओम और टू ओम ठीक है चलिए सिंपल है कुछ नहीं करना ये टू और टू का क्या हो जाएगा ये टू और टू को अगर मैं मिला दू पैरल पैरल में क्या होगा वन ये टू और टू का पैरल में क्या होगा वन अच्छा अभी ये वाला वन ये वाले वन से सीरीज में हो गया तो ऊपर वन और वन क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा टू और नीचे ये और टू बचा है तो नीचे भी है आपका टू टू और टू का पैरेलल में वापस फाइनल आंसर हो जाएगा वन बस यही करना है तो सिंपली आपको अगर पॉइंट समझ में आ जाते हैं कौन सा पॉइंट क्या है तो सारे आंसर मिल जाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट शंट शुड बी डैश देखो शंट क्या होता है कि जैसे ये गैल्वेनोमीटर है और नीचे आपको शंट कनेक्ट करना होता है आर एस आपको एक चीज याद रखनी है कि मैक्सिमम करंट शंट में से जाना चाहिए यानी यहां से जब कोई करंट आएगा तो कुछ जाएगा गैल्वेनोमीटर में कुछ जाएगा शंट में आपको एक चीज याद रखनी है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट शंट में जाना चाहिए यानी शंट में अगर करंट मैक्सिमम जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू का होना चाहिए आपने थियोरी में भी पढ़ा है कि स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एज शंट रेजिस्टेंस का डायमेंशन uh, से कुछ रिलेशन है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए यानी अगर मुझे शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम रखना है तो मुझे उसकी लेंथ बहुत कम रखनी पड़ेगी एरिया बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा यानी जब मैं एरिया ज्यादा रखूंगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा रेजिस्टेंस का आंसर छोटा आएगा लेंथ कम रखूंगा तो भी क्या आएगा छोटा आएगा यानी मुझे उसको रखना पड़ेगा शॉर्ट एंड थिक यानी लेंथ कम रखनी पड़ेगी और एरिया क्या रखना पड़ेगा ज्यादा शॉर्ट एंड थिक कहां पे है थिक एंड शॉर्ट ऑप्शन नंबर ए थिक एंड शॉर्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव द डायमेंशनल इफेक्टिव टॉर्सनल कॉन्स्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग टॉर्सनल कॉन्स्टेंट वाला आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स इसको मैं क्रॉस कर लेता हूं टोर्सिनल कॉन्स्टेंट नहीं ट्वेंटी वेरी लॉन्ग सर्वली नाइट फिफ्टी टर्न पर सेंटीमीटर ध्यान रखना इसको ठीक है इट कैरीज अ करंट ऑफ द कर मैगनेटिक फिलेटेड सेंटर देखो मैग्नेटिक द सेंटर आपको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्स पर यूनिट लेंथ ये है फिफ्टी टर्न पर सेंटीमीटर आपको पर मीटर निकालना है तो ये निकालने पड़ेंगे टन्स पर सेंटीमीटर क्या होता है टेन रेस टू माइनस टू तो ये हो जाएगा ठीक है स्मॉल एन अच्छा आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर एट दी एक्सिस होता है म्यू जीरो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर फिफ्टीन टू टेन डिश टू टू मैं उसको लिख देता हूं फाइव इंटू टेन डिश टू थ्री और करंट है आपका टू पॉइंट फाइव देखो इसको पढ़ना अच्छे से पर सेंटीमीटर ठीक है चलिए आंसर क्या हो जाएगा फाइव इंटू फोर ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू टू पॉइंट फाइव आंसर हो जाएगा आपका फिफ्टी इंटू माइनस सेवन प्लस थ्री टेन माइनस फोर अच्छा पाई है इधर तो ये हो जाएगा आपका फाइव पाई इंटू टेन माइनस थ्री ठीक है चलिए नेक्स्ट द गायरोग्नेटिक रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डैश इज इक्वल टू डैश स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए गायरो रेशियो क्या होता है आपका ई रेशियो इज इक्वल टू डैश स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज पर यूनिट मास तो बस आपको कुछ नहीं करना दोनों साइड कैंसिल कर लो यानी इस वाली को ये कैंसिल कर लो फाइनल आंसर क्या आ गया वन बाय टू खत्म क्या करना है वन बाय टू ठीक है ये होता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो ये होता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो और ये क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा वन बाय टू यानी करना क्या होता है एक्चुअली में इसको नीचे लेके आना होता है ई e और एम कैंसिल हो जाएगा आंसर बचेगा वन बाय टू जो इधर आ जाएगा वन बाय टू ठीक है चलिए नेक्स्ट ट्वेंटी एट अल निको इज अलॉय ऑफ अल निको एल्यूमिनियम निकल कॉपर ऑप्शन नंबर सी सीधा आंसर है थ्योरी द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस मटेरियल मेड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव इज फिफ्टीन सेंटीमीटर वेन इट इज प्लेस इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोर बाई थ्री इट्स ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है एक पेज मुझे और चाहिए होगा देखिए मैं ऐड कर लेता हूँ सुनो आपको फोकल लेंथ है थिन लेंस लेंस की थी फॉर्मला होता है ये कहां पे अगर मैं एयर में लेता हूँ वन अपॉन एफ एयर तो एन टू वन की जगह एन टू अपॉन एन वन यानी ग्लास का वन पॉइंट माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू यानी यहाँ पे वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाय वन है एन टू अपॉन एन वन हवा है ठीक है अभी उसको रखना है लिक्विड के अंदर यानी एन वन की जगह आएगा फोर बाई थ्री तो देखो अभी क्या होगा वन अपॉन एफ लिक्विड इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन लिक्विड रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होती फोकल लेंथ चेंज होती है ठीक है जब आप दोनों का रेशियो ले लो तो ये आर वन और आर टू वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे चलो बचेगा क्या तो देखो ये एफ लिक्विड वाला ऊपर चला जाएगा एफ एर वाला नीचे आ जाएगा ऊपर है आपका वन पॉइंट फाइव माइनस वन जीरो नीचे है आपका वन पॉइंट माइनस वन पॉइंट थर्टी थ्री ये है आपका जीरो चलिए अभी करना क्या है तो लिक्विड में निकालनी है एयर में कितनी है आपकी एयर में है आपकी फिफ्टीन सेंटीमीटर ये है फिफ्टीन इज इक्वल टू पॉइंट फाइव इन वन पॉइंट बाई पॉइंट सेवनटीन एफ लिक्विड को आप सब्जेक्ट बना लो फिफ्टीन को सामने ले जाओ फाइनल आंसर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट थ्री थ्री इंटू फिफ्टीन डिवाइड बाई पॉइंट सेवनटीन फाइनल आंसर आ रहा है फिफ्टी एट पॉइंटी सेवन क्या आंसर आ रहा है फिफ्टी एट पॉइंट सिक्सटी सेवन तो शायद सिक्सटी वाला आंसर है आपका अप्रोक्सीमेटली ठीक है हाँ एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं करता हूँ चलो मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी कर लेता हूँ शायद उतना ही आएगा आप चेक कर लेना उसको ठीक है क्या आंसर आएगा सिक्सटी क्या आंसर आएगा सिक्सटी ठीक है चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं उसको 60, 58 something आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक होता आप लोग देख लेना कोई है, 30. Slab, 4 cm, index, है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मीडियम में चेंज हो जाती है वी इज इक्वल टू सी अपॉन एन आपको टाइम पूछा है स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम टाइम को सब्जेक्ट बनाओ तो वो हो जाएगा N D C. चलो N कितना है आपका कितना फोर सेंटीमीटर फोर इंटू टेन रेस टू माइनस टू और नीचे क्या है थ्री इंटू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकंड चलिए वन पॉइंट फाइव से थ्री को करो टू टू से फोर को करो ये हो जाएगा टू टू इंटू टेन रेस टू ये नीचे ऊपर माइनस टू है ये माइनस एट यानी हो जाएगा टू इंटू टेन इज टू माइनस टेन ऑप्शन नंबर ठीक है थर्टी वन इफ दूब ऑफ एस्ट्रोनोम एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू नाइनटी सिक्स मैग्निफाइंग पावर इज फिफ्टीन एफ ओ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू फिफ्टीन आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ ओ कितना होगा एफ तो ओ कितना होगा तो मुझे एफ ई -E की वैल्यू लिखनी पड़ेगी तो मैं यहां से अगर एफ ई -E को सब्जेक्ट बना लेता हूँ इसको दे दो इक्वेशन वन इसको दे दो इक्वेशन टू मैं यहां से लिखूंगा फ्रॉम टू मैं टू से लिख सकता हूँ बाई फिफ्टीन बोले होगा कि नहीं होगा अच्छा अभी ये वैल्यू पुट दिस इन वन इसको वन में पुट कर लो एफ ओ प्लस एफ ई की जगह लिख दो एफ ओ अपॉन फिफ्टीन इज इक्वल टू नाइनटी सिक्स चलिए ये क्या हो जाएगा फिफ्टीन को इधर मल्टीप्लाई करो फिफ्टीन एफ ओ प्लस एफ ओ सिक्सटीन एफ ओ डिटी सिक्स एफ ओ इज इक्वल टू नाइनटी सिक्स इन टू फिफ्टीन डिवाइडी से नाइनटी सिक्स होगा सिक्स आंसर आएगा नाइन्टी सेंटीमीटर क्या आंसर आएगा नाइनटी सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी तो नाइन्टी और बाकी का क्या होगा वो सिक्स होगा तो यहाँ से आप करोगे ये होगा नाइन्टी ये होगा सिक्स ये होगा नाइन्टी ये होगा सिक्स ठीक है चलिए नेक्स्ट थर्टी टू एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड टू मेटल वर्क ऑफ वर्क फंक्शन पॉइंट फाइव द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन देखो आपको एक चीज पता है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो दो जगह यूज होती है पहला जो होता है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ठीक है अच्छा आपको पता है कि जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो आपको गिवन है ई वन और ई टू ठीक है अच्छा फिर आपको गिवन है वर्क फंक्शन वो तो मेटल का वही रहेगा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको मैक्सिमम स्पीड का रेशियो पूछा है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से एक चीज कर सकते हो कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो उसको ऐसा रखो फाइव को आप फाइव रखो प्लस वन हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर चलिए ई माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर चलिए क्या हो जाएगा आपका वी मैक्स स्क्वा टू ई माइनस फाइव अपॉन एम वी मैक्स तो वी मैक्स क्या मिलेगा आपको मैक्स आपको मिलेगा अच्छा अगर यहां से मैं रेशियो निकालना चाह रहा हूँ तो जो अगर मैं रेशियो निकालना चाह रहा हूँ तो उसके अगर उसके अंदर अगर मैं रेशियो लूंगा तो मास तो सेम ही रहेगा इलेक्ट्रॉन का मैक्स प्रपोजनल टू अंडर रूट ई माइनस फाइव ये आएगा अंडर रूट ई माइनस फाइव वो निकाल लेते हैं निकालना है, वो निकाल लेते है, एक कर लेते हैं हैं एक कर इधर चलो ई वन माइनस फाइव टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो ये क्या बचेगा टू माइनस जीरो टू पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव भी क्या बचेगा आ, कितना है वो टू पॉइंट टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव सॉरी ऊपर बचेगा क्या बचेगा वन पॉइंट फाइव और दूसरा क्या है टू पॉइंट फाइव ई माइनस फाइव टू पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव वो क्या बचेगा रूट टू तो जो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा रूट थ्री बाय रूट इसको अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ तो ऊपर बन जाएगा रूट थ्री टू से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो नीचे बन जाएगा रूट फोर आंसर आ जाएगा रूट थ्री बाय टू तो बस आपको यही करना था आपको काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट करना है मैक्स मैक्स स्क्वायर स्क्वायर और v को और को सब्जेक्ट बनाओ वो किस पर डिपेंड कर रहा है वो आपको लिखना था रूट थ्री बाय टू क्या रूट थ्री बाई टू ठीक है इज इक्वल टू एच अपॉन पी उसपे से एक फॉर्मुला आता है एच अपॉन रूट टू एम के आपको आ, क्या बताना है काइनेटिक एनर्जी तो आप क्या करो लेमडा स्क्वायर कर लो इज इक्वल टू एच अपॉन टू एम के आपको ये बताना है कि जब वेवलेंथ को इंक्रीज करना हो पॉइंट फाइव से कितना कर दो टेन एस टू माइनस टेन तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा तो एनर्जी के को सब्जेक्ट बना लो एच अपॉन टू एम लेमडा यानी यहां से मैं बता सकता हूँ अपॉन लेमडा स्क्वायर प्रपोजनल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन लेमडा स्क्वायर चलो मैं के टू अपॉन के वन लिखूंगा तो सामने क्या आएगा लेमडा वन स्क्वायर डिवाइड बाई ले के टू अपॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है टेन रेस टू माइनस टेन फाइनल कितना कर देना टेन रेस टू माइनस टेन तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी और नीचे क्या हो जाएगा टेन रेज टू माइनस ट्वेंटी चलो क्या होगा आपका फाइनल आंसर ये कैंसिल आंसर आ जाएगा पॉइंट ट्वेंटी फाइव यानी वन बाई फोर काइनेटिक एनर्जी को करना पड़ेगा फोर्थ डिक्रीज टू फोर्थ पार्ट यानी सिंपल आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जब आपको वेव लेंथ इंक्रीज करनी है यानी पॉइंट फाइव से क्या करनी है वन इन टू टेन रेस टू माइनस टेन तो काइनेटिक एनर्जी को क्या करना पड़ेगा इसको इंक्रीज करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कितना करना पड़ेगा डिक्रीज बाय फोर्थ पार्ट ठीक है ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें चलिए नेक्स्ट थर्टी फोर द वील ऑफ अ रेडियस टू मीटर हैविंग एट कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रेट स्पोक्स इज रोटेटिंग अबाउट इट्स जियोमेट्रिकल एक्सिस विद एंगर वेलोसिटी टेन रेडियन पर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट टू पर पेंडिकुलर टू एक्ट्स प्लेन द वैल्यू ऑफ इंड्यूज ई एम एफ देखो यहाँ पे सिंपल एक फॉमुला लेना होता था आपको एवरेज वाला ई इज इक्वल टू बी एल वी बाय टू आपको वी की जगह क्या पुट करना है वी इज इक्वल टू आप वी की जगह क्या पुट करो एक सेकंड V की जगह पुट करो l ओमेगा डिवाइड बाय टू तो ये आंसर आ जाएगा b l स्क्वायर ओमेगा बाय एल एवरेज लेना होता था स्पीड यानी आपका जो स्पोक है टायर है ऐसे जब स्पोक घूम रहा है तो ये पॉइंट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी ये पॉइंट की स्पीड क्या होगी जीरो तो आप एवरेज ले लो v प्लस जीरो बाय टू यानी कितनी v बाय टू यानी आप वो v बाय टू को कहां पे पुट कर रहे हो पे ठीक है चलो वैल्यूज पुट करते हैं b कितना है हमारा सब कुछ गिवन है b है पॉइंट टू एल स्क् एल कितना है आपका रेडियस टू मीटर टू का स्क्वायर फोर कर लो सीधा ओमेगा कितना है आपका टेन रेडियन पर सेकंड टेन डिवाइड बाय टू चलो इसको टू से कैंसिल करो टू इन टेन ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट टू आंसर आ जाएगा आपका एट सॉरी फोर आंसर आएगा फोर ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो याद रखना इसको एवरेज स्पीड लेनी होती है आपको बी एल वी टू थर्टी फाइव अ कॉइल ऑफ सरफेस एरिया टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्वेंटी फाइव टन इज हेल्ड पर पेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट जीरो टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉल इज वन इफ इट इज रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन वन सेकंड द इंड्यूस चार्ज देखो इंड्यूस चार्ज निकाले है ई एम एफ का फॉर्मुला तो बताए इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी ठीक है चलो इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ आई आर इज इक्वल टू एन डी अपॉन डी टी I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन डी टी एन टू आर इज इक्वल टू एन डी फाइव डी टी देखो डी टी डी यहां से कैंसल हो जाएगा इंड्यूस चार्ज डी क्यू को आप लोग सब्जेक्ट बनाओ डी क्यू इज इक्वल टू एन डी फाइव डिवाइड बाई आर चलिए पुट करो वैल्यूज एन कितना है आपका एन नंबर ऑफ टर्न्स ट्वेंटी फाइव पुट करो ट्वेंटी फाइव फ्लक्स कितना है आपका तो फ्लक्स है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पॉइंट टू फ्लक्स कितना है आपका अच्छा फ्लक्स आपको गिवन है क्या इक्वल टू बी एन टू ए करना पड़ेगा फिर आपको हाँ फाइव इक्वल टू आप बी एन टू ए कर लो बी कितना है आपका पॉइंट जीरो टू और ए कितना है आपका वो है आपका टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर टू हंड्रेड इंटू टेन टू माइनस फोर डिवाइड बाय आर कितना है आपका तो आर है आपका वन चलो सारी वैल्यूज करो ऊपर कितना आंसर आ रहा है तो ट्वेंटी फाइव इंटू ये कर लो ऊपर कैलकुलेशन कर लो आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठो मैं सीधा कर रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर मैं यूज कर रहा हूँ ट्वेंटी फाइव इंटू पॉइंट जीरो टू इंटू टू हंड्रेड टेन रेस्टू माइनस फोर है आपका तो ये हो जाएगा टेन रेस्टू माइनस टू आंसर आएगा फाइनल आंसर जीरो पॉइंट जीरो वन ठीक है

करंट आपका ये है, I. ठीक है? सीरीज है. सीरीज दोनों में करंट अच्छा आपका वीसी और यहाँ पे हो जाएगा वीएल तो जो फाइनल बचेगा आपका फाइनल जब आप दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे ये हो जाएगा वी सी माइनस वी एल और ये हो जाएगा आपका करंट आई यानी वीसी माइनस वी एल की जगह आप लोग अगर इम्पीडेंस को लिखते हो

इन एल सी आर इसी सर की टेल इज इक्वल टू नाइन हेनरी आर इज इक्वल टू टेन सी इज इक्वल टू हंड्रेड क्यू फैक्टर सिंपल फॉर्मुला है क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन आर रूट एल अपॉन सी चलिए वैल्यूज़ पुट करो वन अपॉन आर है आपका कितना टेन रूट एल कितना है आपका एल है नाइन सी कितना है हंड्रेड माइक्रो हंड्रेड इंटू टेन माइनस सिक्स मैं इसको कर लेता हूँ टेन एशू माइनस फोर अच्छा ये पर जाएगा टेन एस टू प्लस फोर वन अपॉन टेन नाइन का रूट निकलेगा थ्री टेन एस टू माइनस फोर का निकलेगा टेन एश माइनस टू ये हो जाएगा थ्री इंटू टेन रेस टू माइ सॉरी प्लस टू हो जाएगा ना प्लस फोर प्लस टू थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस वन थ्री इंटू टेन रेस टू वन बचेगा आंसर आएगा थर्टी ऑप्शन नंबर ठीक है थर्टी नाइन डायमेंशनल फॉर्म ऑफ म्यू आर एपसाइलोन आर अंडर रूट देखो म्यू आर क्या होता है म्यू आर होता है आपका म्यू बाय म्यू जीरो और ई e, आर क्या होता है आर ई जीरो तो ये दोनों डायमेंशन लेस है ये दोनों क्या है रिलेटिव जो होती है परमिएबिलिटी और परमिटिविटी वो डायमेंशन लेस है तो ये आंसर भी क्या होगा डायमेंशन लेस ऑप्शन नंबर बी लास्ट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ई एंड बी आर इन फेज एंड द डिक्रीज इन दर मैग्नीट्यूड इज कम्पेरेटिवली स्लोअर विद डिस्टेंस आर एज पर यह आपको सीधा याद रखना है आर रेस टू माइनस वन टेक्स्ट बुक में आपका जो चैप्टर एट है उस पर से थोड़े बहुत अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो आपको ये आंसर पता चलेगा पर हम लोग उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं आप लोग सीधा याद रख लेना आर एस टू माइनस वो तो यहाँ पे हमारे चालीस एम सी की खत्म हो रहे हैं टू थाउजेंड नाइनटीन आई होप कि आपको सारे समझ आए हैं कुछ क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेशन लेंदी थी तो आप लोग को थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी उसकी प्रैक्टिस आपको करनी